हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध देव को समर्पित होता है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक और धन प्राप्ति के मार्ग खोलने के लिए इस दिन इन देवताओं की विशेष रूप से पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुधवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अर्पित करने से केतु और बुध देव की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि बुधवार के दिन शिवलिंग पर कौन सी चार चीजें अर्पित करने से भाग्य के द्वार खुल सकते हैं और मनचाही सफलता मिल सकती है। बुधवार का दिन हरे रंग का माना जाता है, इसलिए इस दिन शिवलिंग पर हरे रंग की कोई भी चीज चढ़ाने से शुभ फल मिलते हैं। हरे फूल, हरा फल, हरा चंदन या हरा कपड़ा अर्पित करना उत्तम रहेगा। बिल्व पत्र को भगवान शिव का सबसे प्रिय माना जाता है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर 3 बिल्व पत्र चढ़ाने से केतु और बुध देव की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। दूध को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से शुद्धि होती है और नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही दूध चढ़ाने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। धतूरा भगवान शिव को बहुत प्रिय है, लेकिन ध्यान रखें कि धतूरा जहरीला होता है, इसलिए इसे सीधे शिवलिंग पर न चढ़ाएं। धतूरे के पत्तों को पानी में धोकर शिवलिंग के सामने रखें। धतूरा चढ़ाने से बुद्धि, शक्ति और साहस में वृद्धि होती है। पीपल के पत्तों में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। बुधवार को शिवलिंग पर पीपल के पत्ते चढ़ाने से केतु और बुध दोनों की कृपा प्राप्त होती है। 11 पत्ते चढ़ाना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए बुधवार को शिवलिंग पर तुलसी दल चढ़ाना शुभ होता है। 5 या 11 तुलसी दल चढ़ाएं और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। ज्योतिष में साबुत मूंग को बुध का कारक माना जाता है, इसलिए बुधवार के दिन शिवलिंग पर साबुत मूंग चढ़ाने से बुध देव की कृपा प्राप्त होती है। 11 या 21 साबुत मूंग अर्पित करना उत्तम रहेगा। बुधवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करने के नियम। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इसके बाद हरा फूल, हरा फल, हरा चंदन, हरा कपड़ा, पीपल के पत्ते, तुलसी और साबुत मूंग में से किसी एक चीज को शिवलिंग पर अर्पित करें। अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और शिव चालीसा या शिव मंत्र का जाप करें। अंत में सच्चे मन से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इन सरल उपायों को करने से केतु और बुध देव की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। याद रखें, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए ये उपाय ही सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो आज ही बुधवार के दिन ये चमत्कारी उपाय करके भगवान शिव, गणेश और बुध देव की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन में सफलता और खुशहाली का अनुभव करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।